स्टूडेंट्स देखिए क्लास 9 के यहाँ पे अभी आज सुबह हम यहाँ पे जूम आए थे, आप ये क्वेश्चन बताया था, आपने कहा था ये क्लियर नहीं है। वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने पूरा क्लियर सॉल्व किया है, 4B का क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसको आप मैम एक बार जो है कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, अब इसके बाद फिर आगे आपको जो एक्सरसाइज हम 4D बताया जा रहा है, ये 4B का क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आप देख लीजिए एक बार, और अब यहाँ पे 4D का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। अब आगे देखो यहाँ पे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4D, इसमें जो है गिवन है जो पहला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है a+1/a=m एंड a≠0, तो कह रहा है a माइनस, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है a+1/a की जो वैल्यू है आपको वो फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए जो आपका गिवन है a+1/a=m गिवन है, आप क्या इसी का यहाँ पे ये माइनस है, माइनस है, माइनस वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने कहा क्या कहा था, जो आपका यहाँ पे प्लस है तो आप इसी का यहाँ जो गिवन है इसी का भी स्क्वायर कर दीजिए, a+1/a का होल स्क्वायर स्क्वायर हो गया जाएगा। स्टेटमेंट लिख दीजिए, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, पहले आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद अभी इसको एक्सपेंड कर दीजिए फार्मूले ग्रुप में, तो ये हो जाएगा आपका a² + b² + 2 a(1)² = m² जितना हो गया, a से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस 2 है तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके जाएगा नेगेटिव, तो ये आपका आ जाएगा a² + 1/a² = m² - 2 आ गया, आया। अब देखिए इसको आपको a-1/a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं 2 इधर भी और 2 इधर भी, दोनों तब हम 2 है क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो आप लिखोगे सबट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा a² + 1/a² - 2, ठीक है, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे m² - 2 था -2, फिर ऐड हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ में। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हो, इसमें 2 से किसी भी नंबर कर सकते हो आप, जरूर होता है। तो अब देखिए ये फार्मूला बन गया, यहाँ से तो ये आपका फार्मूला बन गया, क्या a² + b² - 2 क्या होगा, a - b² = m² - 2, स्क्वायर जब इधर क्या बन जाएगा आप यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो देयर फॉर a-1/a² आ गया अंडर रूट m² - 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है a-b² - 1/a² जो दूसरा वाला है a-1/a² है = आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसी को आप क्या करिए यहाँ पे a-1/a है इसी को आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसी को आप यहाँ पे क्या करिए सॉरी इसका स्क्वायर कर दीजिए a-1/a² और कर दोगे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्लियर है, कर सकते हो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने के लिए कहा गया था लेकिन हमने भूल गया उसे, क्योंकि गिवन है यहाँ पे इफ x + 2y + 3z = 0, तो आपको यहाँ और आगे भी दिया गया एंड है x³ + 4y³ + 9z³ = 18xyz, तो पहले आपको यहाँ पे x + 2y² + 3z² + 2y + 3z + x² + zx, इसको इवेल्युएट करना है ये कितना होगा, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं, फिर में देखोगे आप यहाँ पे तीनों का इसका एलसीएम कितना आएगा x, y, z, x, तो x, y, z आएगा, ठीक है, x, y, z है, x, y सब इसमें आप एलसीएम में डिवाइड करते हो डिनोमीटर से, तो x, y आपका कैंसिल हो जाएगा बचेगा z, ऊपर आपका बचेगा z,
ठीक है, तो जेड एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी आप कैसे करिए वाई जेड से डिवाइड कर, बचेगा केवल एक्स, तो एक्स और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या टू वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर अपॉन आपका एक्स वाई जेड, यहाँ पर सी बी की वाली नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे जेड एक्स से इसमें डिवाइड करोगे एक्स वाई जेड और एक्स बचेगा यहाँ पे वाई, तो वाई और थ्री जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड हो गया। अब आप इसके यहाँ पे इसका जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आएगा कितना, जेड की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा इसमें जेड एक्स प्लस, सॉरी तो ऐसे कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, पहले आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए जेड में करके, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, ए बराबर कितना है एक्स इंटू बी बराबर यहाँ पे टू वाई हो गया, प्लस यहाँ भी ऐसे करके एक्स लिख दीजिए हो जाएगा यहाँ पे टू वाई, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे टू वाई का होल स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पे फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड का हो जाएगा नाइन जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा आगे हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा यहाँ पे टू टू इंटू टू वाई इंटू थ्री सेवन, ठीक है, और प्लस प्लस आप यहाँ इसमें कितना है वाई, तो यहाँ पर भी आप इसको एक्सपेंड करें तो आ जाएगा कितना नाइन जेड स्क्वायर, देखा नाइन जेड स्क्वायर, नाइन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे टू इंटू थ्री जेड प्लस इंटू इंटू एक्स हो गया अपान अपान पूरा आप एक साथ यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया इतना, ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस नहीं है, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इस आप लोग, ठीक है, जो क्वेश्चन फर्स्ट था इसको थोड़ा सा हम नाम करते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नाम सॉल्व करते हैं इसको, इसको हम शॉर्ट वो जो आप लगाए देखिए इतने काफी से स्टार्ट से देखिए यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस टू वाई का होल एक्स प्लस टू वाई होल स्क्वायर अपान एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर है अपान वाई जेड प्लस थ्री जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान जेड एक्स है। देखिए हम यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये आएगा एक्स वाई जेड, अब ये देखिए एक प्लस टू वाई आप ये जो आपका दिया गया एक प्लस टू वाई प्लस थ्री, यहाँ देखिए एक्स प्लस टू वाई बराबर कितना आएगा एक्स प्लस टू वाई बराबर थ्री जेड, यहाँ पॉजिटिव ट्रांसपोजिशन में लिखा हो जाएगा निगेटिव, तो आएगा इसके लिए लिख देते हैं माइनस थ्री जेड माइनस थ्री जेड और होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स वाई है एक्स वाई का डिवाइड इसमें करोगे आप कितना आएगा एलसीएम में आएगा जेड, तो आगे यहाँ पे आप जेड लिख दीजिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी टू वाई प्लस थ्री जेड है, तो देखो टू वाई प्लस थ्री जेड एक्स में यहाँ पे क्या बचा है जैसे ट्रांसपोजिशन या माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आगे यहाँ पे देखिए वाई जेड से इसमें डिवाइड करिए वाई जेड कैसे बचेगा एक्स एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी देखिए थ्री जेड प्लस एक्स है थ्री जेड प्लस एक्स बराबर कितना है माइनस टू वाई का होल स्क्वायर है, अब यहाँ जेड एक्स इसमें डिवाइड करिए आएगा कितना वाई, तो वहाँ वाई हो गया इतना, अब यहाँ देखिए जेड का मल्टीप्लाई करिए और माइनस थ्री का माइनस थ्री जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन जेड स्क्वायर, नाइन जेड का मल्टीप्लाई यहाँ पे जेड में तो हो जाएगा नाइन, नीचे लिखते हैं नाइन जेड क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स एक्स स्क्वायर ही आएगा पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस यहाँ पे देखिए माइनस टू का हो जाएगा यहाँ पे क्या फोर फोर वाई स्क्वायर,
कितना आ जाएगा, 4y² अपान कितना है नीचे xyz, ठीक है, सिर्फ y³ हो जाएगा, 4y³ हो जाएगा। अब ये इतना आपको देखें यहाँ पे x³ प्लस 4y³ प्लस 9z³, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 18xyz, तो यहाँ इसके प्लेस क्या आप 18xyz ले सकते हो, नीचे हो जाएगा यहाँ पे xyz, xyz से xyz कैंसिल, बराबर यहाँ पे आ गया 18, ये आंसर आपका ये आपका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लग जाएगा, वो बहुत लॉन्ग हो जाता है आपका, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया है a² + b² = 34 एंड ab = दिया है 12। तो आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + b² + 5a - b तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए a² + b² = 34 है, तो इसमें हम 34 में फार्मूले के रूप में एक्सपेंड करेंगे, जैसे यहाँ पे 2ab इधर भी और 2ab इधर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया, a + b² + 2ab = 34 + 2 * ab = कितनी है 12, यहाँ 12 लिख दीजिए, a + b² = 34 + 12 = 24, और 34 दोनों का आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा आपका a + b = √58, ये आएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको a - b भी दी मैंने, तो जैसे आपने 2ab ऐड किए तैसे यहाँ पे 2ab आप माइनस कर दीजिए, a² + b² - 2ab = 34 - 2ab, ठीक है, ये फार्मूला बन गया a - b² = 34 - 2 * ab = 24, देयरफॉर a - b² आ गया 34 - 12 है यहाँ पे, तो ये आपका आएगा कितना 24। अब फिर आएगा यहाँ पे a - b = कितना आएगा 30 + 24 आएगा √10, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका 3a + b² + 5a - b² = 3a 3 लिखिए, ए प्लस बी वैल्यू कितनी है 58 √58 प्लस 5a - b वैल्यू कितनी है √10 √10² कैंसिल, तो आ गया 3 * 58 प्लस √10² कैंसिल आ गया कितना 5 * 10, कितना ये क्या हो गया आपका इक्वल लगा देना पे 58 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 निकल दो, 58 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 और 174 प्लस 174 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो गया इतना। अब उसके बाद 174 और फिर दोनों का आप ऐड कर दीजिए, बराबर आंसर आ गया 224, इसी वैल्यू कितनी आ गई 224। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, बाकी आपका जो है कल बताएंगे, ठीक है।